खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर सरकारी स्कूल के तलबा ग्रुपों के दरमियान लड़ाई हुई है। लड़ाई झगड़े के दौरान ईदगाह रोड मैदान जंग बन गया और तलबा ने छुट्टी के बाद एक दूसरे पर घूंसों और मुक्कों की बारिश कर दी। इस दौरान एक तालिबे इल्म के चेहरे पर शदीद चोटें आई हैं और खून बहता नजर आ रहा है। जो मजमूई तौर पर 4 तलबा जो हैं वो जख्मी हुए हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अल्लामा इकबाल रोड, जिसे कोतवाली रोड के नाम से भी याद किया जाता है, इसके 9वीं और 10वीं जमात के तलबा में मामूली बात पर झगड़ा हुआ था और छुट्टी के बाद एक ग्रुप ने दूसरे तलबा को मॉडल टाउन के करीब ईदगाह रोड पर घेर लिया। हमलावर ग्रुप ने बीच बचाव करवाने वाले शहरियों की भी एक ना सुनी और इन्हें भी दरमियान में धो डाला, जबकि तशद्दुद करके 4 तलबा को जख्मी कर दिया गया है। जख्मी तलबा में अजीम, असदुर्रहमान, असद अली और अब्दुर्रहमान शामिल हैं। एक जख्मी तालिब इल्म ने बताया, रोक के मारा उन्होंने 10th क्लास के बच्चों ने। 10th क्लास के बच्चे हैं, ठीक है ना, मैं अभी खड़ा, उन्होंने मुझे पकड़े, बहुत मारा। किस वजह से मारा? कम उम्र तलबा के दरमियान वहशियाना लड़ाई पर शहरियों ने तबसरा करते हुए कहा कि ये असातजा, वालदैन और माशरे के मुख्तलफ तबकात की नाकस तरबियत का नतीजा है। ऐसे वाकयात को रोका जाना चाहिए। डी मीडिया न्यूज़, फैसलाबाद।